भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रज्ञानां शुभ्रतानै स्थिरचरणिकर व्याप्यभिर्व्याप्यलोकान् भुक्ता भोगास्तविष्टान् पुनरपि धीशनो भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् श्वपिति मधुरघुं मायया भोजयन् नो माया संख्यातुलीयं परमं अमृतभाजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण अलग शांति प्रकरण, उसके ऊपर विचार करते हुए पहले हमसे जो इसके तृतीय प्रकरण में अद्वैत प्रकरण में जो प्रतिज्ञा किए थे ये तत्त उत्तम सप्तम यत्र किंचित न जाने थी, तो पहले बोला तो वक्ष में अकार पन्न मर्या की क्षमता कर आज कम है आज तो अकृपणता क्या है वो मैं बताऊंगा। तो ये जो प्रतिज्ञा किए थे तो ये भेद देखना ही कृपणता है, स्वाभाविक है, परंतु भेद के अंदर ये अभेद तत्व को देखना समझना ये जो है शास्त्रीय है, ये शास्त्रीय अंतर्दृष्टि चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया था कि ये अकृपणता है। यहाँ पे पहले गुरु परंपरा से पहले नारायण को प्रणाम करते हैं, फिर जो है इस उपदेश को दिया था उसको प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे सांख्य और योग दर्शन के सिद्धांत है सत वस्तु की उत्पत्ति होती है, सत से उत्पत्ति होती है, और न्याय वैशेषिक की है आरंभवाद है वस्तु नहीं है उसको उत्पत्ति होती है। इन दोनों बात को पहले भिजाया, इन दोनों बात को भिजाने के बाद दोनों वादी ने एक जगह कहा था सत से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, असत बोल ठीक बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे, दोनों जगह में कॉमन क्या आ गया उत्पत्ति होना संभव नहीं। तो पूर्व मीमांसा दर्शन आ गए, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ आपने ठीक बोला, इस प्रकार से उत्पत्ति होना समझे सामान्य सिद्धांत है वो ठीक है, कर्म के कारण, कर्म के कारण धर्माधर्म से उत्पत्ति होती है। अच्छा धर्माधर्म से उत्पत्ति है, धर्माधर्म कहाँ से आता है भाई, बोलते हैं संघात से, तो कौन पहले है बताओ, वो नहीं बता पाते हैं। जब नहीं बता पाते हैं तो बोलते हैं भाई तुम भी आस्तिक दर्शन हो, हम भी आस्तिक दर्शन है, शास्त्र तो अनादि बड़ा संसार को, बोलते हैं हाँ अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है, न विद्यते आदिर्यस्य स अनादि, मतलब इसका जन्म नहीं है, तुमने अनादि मतलब अनादि का से चलता रहे अर्थ किया, हम ऐसा अर्थ नहीं किया, हम ये अर्थ करते हैं न विद्यते आदिर्यस्य स अनादि, यानी कि जिसकी सृष्टि होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार पूर्व मीमांसा दर्शन पर निपटने के बाद बाह्य अस्तित्ववादी बौद्ध, बौद्ध का चार विभाजन है श्रोत्रांति वैभाषिक योगाचार, यहाँ पे जो हमारा श्रोत्रांतिक वैभाषिक है ये लोग बाहरी वस्तु के अस्तित्व को मानते हैं, एक बात ये प्रत्यक्ष प्रमाण से मानते हैं और एक बात ये अनुमान प्रमाण से मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान में विचित्रता दिखाई पड़ता है घटगान पटगान मठगान हिमालय की गान नदी की गान पहाड़ की गान, यदि बाहर वस्तु नहीं होता तो ज्ञान में विचित्रता कहाँ से होती, इसलिए बाहरी वस्तु है मानना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, आप देखो आपके पास किसी ने बाहरी वस्तु आदि भौतिक और आदि दैविक द्रव्य यदि नहीं होते तो आप उस सबका दुख कहाँ से होता, यदि अधिभौतिक अधिदैविक
दुख अनुभव होता है, यानी कि ये सब वस्तु है, आपका आंख है, जल है, वायु है, इससे सुख भी होता है, दुख भी होता है, आप अनुभव करते हैं इसको, इसीलिए इन वस्तुओं को मान्यता देना चाहिए। यानी इस प्रकार से जो बाह्य अस्तित्ववादी बौद्ध ने शंका उठा, इसी के ऊपर विचार चल रहा था। कहाँ तक होता है? 24 ठीक है, श्लोक पे एक बार पढ़ेंगे 24। प्रज्ञाते सर्वमिति तत्त्वमन्यथा द्वयनाशकः शङ्करेशोपलब्धिश्च परतन्त्रास्थितामता। ये प्रज्ञाप्ति मतलब बोध हमारा होता है, ज्ञान होता है, उसका जो है कोई ना कोई निमित्त चाहिए, ना तो ज्ञान में विचित्रता भिन्नता नहीं दिखाई देना, एक ही प्रकार की होती है। आप बताओ ज्ञान, हमें क्या लगता है ज्ञान अलग अलग हो रहा है, वास्तविक ज्ञान एक ही है। ज्ञान में प्रतिफल इच्छा जो विषय की प्रतिफल होता है ना, तो हमको लगता है कि जो है वो ज्ञान उस रूप में व्यक्त होता है, क्योंकि पूर्ण चेतन व्यापक है, उसी के ऊपर विषय दिखाई दे रहा है भ्रांति से, उसी को भ्रांति से विषय दिखाई दे रहा है, तो हमको लगता है कि वस्तु संबंधित ज्ञान, ज्ञान तो अधिष्ठान तो एक ही रूप है, अधिष्ठान में कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर भ्रांति से वस्तु की प्रतीति होता है, अधिष्ठान से मिला हुआ है, तो हमको लगता है कि ज्ञान बड़ा विषय का उत्तर देंगे, जिसको आप समझाते भी जो वेदांतिक सिद्धांत में एक है। तो वो कहता है कि बाहरी वस्तु के ज्ञान अलग अलग वस्तु के ज्ञान होता है, इसीलिए जो है बाहरी वस्तु की मान्यता देना चाहिए, फिर सुख दुख की हमको अनुभूति होती है, तो सुख दुख की अनुभूति के हेतु जो बाहरी वस्तु है उसको भी मान्यता देना चाहिए। ऐसा कहने पर तब बोलते हैं कि इसलिए परतंत्र मतलब दूसरेवादी के सिद्धांत, द्वैतवादी जगत के सत्य माना है, उन उस सिद्धांत को मानना चाहिए, भी हमारा ही मत है, मतलब ये क्षणिक भी कही है हमारा चौतांत्रिक वैभाषिक बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं। टीका कहाँ से पढ़ लिए थे? तो वहाँ पे जो है प्रज्ञाप्ते विषय निरपेक्ष न स्व अतिरिक्त विषयता इति आशंका। फर्स्ट लेवल बोला है ना, प्रज्ञाप्ति मतलब ज्ञान तो विषय से ये हो गया, हाँ समझ में आ गया, तो कंटिन्यूटी के लिए तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई भी ज्ञान होता है ना विषय निरपेक्षता, तो विषय का आधार पर नहीं होता, कौन विज्ञानवादी बोल रही है, वेदांति अपने आप नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे दो वादी में बौद्ध का ही दो वादी में विवाद हो रहा है, एक सौत्रांतिक वैभाषिक एक कैटेगरी में हो गया और विज्ञानवादी बौद्ध एक कैटेगरी में हो गया। दो लोग बोलते हैं प्रज्ञाप्ते विषय निरपेक्षत्वात्, जो हमारा बोध होता है ना विषय की अपेक्षा नहीं रखता, न स्व अतिरिक्त विषय था, इसलिए विज्ञान से भिन्न करके कि अतिरिक्त विषय है ये आप नहीं कह सकते, ऐसा शंका कर रहा है कौन? विज्ञानवादी बौद्ध सौत्रांतिक वैभाषिक को बोलता है, तो उसको बोलता है नहीं, तो उसके ऊपर भाष्य कहाँ पे आएगा? नहीं निर्विषय प्रज्ञाप्ति शब्दादि प्रतीति इत्यादि, कौन बोल रहे हैं? बाह्य अस्तित्ववादी बोल रहे हैं नहीं नहीं विषय रहित प्रज्ञाप्ति में भिन्नता नहीं हो सकता है। ये शंका को ठीक किया विज्ञानवादी बौद्ध ने, शंका को उत्तर दे रहे हैं सौत्रांतिक, इसलिए बोलते हैं कि नहीं निर्विषय प्रज्ञाप्ति शब्दादि प्रतीति, विषय रहित जो है ज्ञान शब्दादि की प्रतीति नहीं हो सकता, यानी बाहर विषय है ऐसा को समझना चाहिए, मानना चाहिए। क्यों? तस्निमित्तत्व तस्य मतलब प्रज्ञाप्ति, निमित्त के मतलब बाहरी कोई वस्तु के निमित्त से तत्वस्तु संबंधी ज्ञान होता है। स्वनिमित्तत्व मतलब स्व विषय अनुभूय मानता, ज्ञान आपको हमेशा विषय के साथ ही अनुभव में आएगा, मैं ये जानता हूँ मैं ये जानता हूँ, और फिर जिस समय आप सोते रहते हैं विषय ज्ञान नहीं होता, तब आप अपने को जानते कि नहीं जानते? हिंदुओं को डर लग गया था ना, हम आत्मानम जाना इस समय मैं अपने को भी नहीं जानते, ये कैसे आत्मज्ञान होगा, ये कैसे आत्मज्ञान हो सकता है, उसमें तो डर लग जाता है। तब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी अभी तक आदत पड़ गया ना कि अपने को उपाधि के साथ देखने का, इसलिए यदि कभी ईश्वर के पास अभ्यास करते करते उपाधि के साथ छोड़ने का अंतिम स्थिति में आपको पहले डर ही लगेगा। इंद्रो का गुरुदेव का नाम इसकी, इंद्रो का गुरुदेव जिसके पास गया था, इंद्रो अलग अलग समय, यहाँ पे तो इंद्र को विद्या स्वयं उमा रूप धारण करके इंद्र को पहले उपदेश दिए थे, इंद्र का दूसरा गुरु प्रजापति इंद्र के, तीन जगह पे हमको मिलते हैं, और एक जगह पर रहता है दद्धंग अथर्वण के पास, वो तो दिया ही नहीं, बोले भक्त तू तो विषय लंपट है, तेरे को उत्तर ही ब्रह्म वेदांत नहीं है। ऐसा तीन बार हमको उपनिषद में मिलते हैं, एक हो गया हमको केनोपनिषद में, वहाँ पे जो है विद्या स्वयं उमा रूप धारण करके इंद्र को उपदेश दिए थे, एक इंद्र को मिलता है प्रजापति ऋषि के पास छांदोग्य उपनिषद में धर विद्या में उपासना भी है ज्ञान भी है, एक इंद्र को मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद दद्धंग अथर्ववण ऋषि के पास जाते हैं,
मधुविद्या में, उनके पास जाते हैं मधुविद्या में, आएंगे प्रथम अध्याय पंचम द्वितीय अध्याय पंचम ऋषि का नाम क्या दद्भम अथर्व, उनके पास गए थे तो वो भगाई दिया, बोले नहीं नहीं तुम तो ब्रह्मविद्या का लायक ही नहीं हो। तो क्या है वो बड़ा सुंदर शब्द है, दंदा रामो ही पुरुष, हाँ तुम हमेशा मिल के रहना चाहते हो, जोड़ी के साथ रहना चाहते हो, उसे तुम्हारे लिए अभी तक नहीं, स्वतंत्र रहने का अभ्यास करता हूँ। और एक कौशिक उपनिषद में इंद्रियों को गुरु के रूप में दिखाई पड़ता है, क्या होता है कि इंद्र को गुरु के रूप में दिखाई पड़ते प्रातर्धन को, प्रातर्धन थे प्रतर्धन एक राजा थे, युद्ध करके तपस्या के बल पे ब्रह्मलोक में पहुंच गए थे, इंद्रलोक में पहुंच गए थे। तो फिर इंद्र बोला तू इतना वीर है तपस्या तू वर मांग, तब वो क्या बोलते हैं कि मेरे लिए जो सबसे हिततम हो वो वर आप मिले, मैं नहीं जानती अच्छा मतलब प्रसंग है, तब उनके लिए आत्मज्ञान को उपदेश की। तो इंद्र को एक जगह पे औषधि के उपनिषद में गुरु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है कि सनिमित तत्व प्रज्ञप्ते विषय निरपेक्षित्व न स्वातिरिक्त विषय आशंक नहीं, सनिमित तत्व स्विषय तेरा स्फुरन, स्वनिमित्त मतलब है विषय के साथ ज्ञान की स्फुरन होता है, नहीं से घूम गया था कि विषय के साथ ज्ञान की स्फुरन ही हमारी अभ्यास बना हुआ है, परंतु विषय रहित भी आपका स्फुरन आपको होता है यदि कभी ध्यान अथवा समाधि में जा पाओगे, मन को यदि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठा पाएंगे तब अपने अस्तित्व की जो अनुभूति होती है विषय रहित अनुभूति, और उस अनुभूति में परिच्छिन्नता अपने आप ही नहीं रहता, क्योंकि विषय के साथ जब दिखाई दे रहा है तब तो परिच्छिन्न रूप में दिखाई दे रहेगा, परंतु जब उस अलग हो गया तो अपने आप ही वो व्यापक रूप में अपने आप अनुभव, इसी यहाँ पे बोलते हैं स्वनिमित तत्व विषय तेन स्फुरण, स्वनिमित तत्व कहाँ है तस्या स्वनिमित तत्वाद भाष्य में है, टीकाकार बोल रहे हैं स्वनिमित तत्व मतलब विषय के साथ उस ज्ञान का स्फुरण होना, तमेव हेतु द्वितीय पाद योजनाया विषदयति, इसी कारण को मतलब ज्ञान विषय के साथ ही दिखाई दे रहा है, इसी इस हेतु को द्वितीयोपाद के अन्यथा द्वयनाशतः, इस द्वितीयोपाद की अन्वय करके उसको सर विशद करते हैं, मतलब पूर्ववादी अपने हेतु को, क्योंकि प्रज्ञान जो है अलग अलग विषय के साथ ही होता है ना, इसी को विशद के रूप में दिखाने के लिए द्वितीयोपाद आया हुआ, तम एवं हेतु स्वनिमित तत्व मतलब ज्ञान विषय के साथ मिलकर के ही दिखाई पड़ता है, इस कारण से जो है विषय है बाहर मानना पड़ेगा, ये जो कहा था द्वितीय पाद योजना या द्वितीय पाद को अन्वय करते विषय है उसको विस्तार करते हैं भगवान भाष्य का, मन क्या बोलता है अन्यथा निर्विषयते शब्द स्पर्श नील पीत लहितादि प्रत्यय वैचित्र प्रत्यय वैचित्रस्य, ठीक है ना, अन्यथा शब्द का इतना बड़ा अर्थ कर दिया, मतलब यदि निर्विषय ज्ञान होता मतलब प्रज्ञप्त यदि निर्विषय होता तब हमारा ज्ञान शब्द का ज्ञान स्पर्श का ज्ञान रूप का ज्ञान रस का ज्ञान होता रहता है, इसलिए होता शब्द स्पर्श नीत शब्द स्पर्श बोल करके फिर रूप कहने के लिए नील पीत लोहित आदि प्रत्यय वैचित्र से जो हमारी थॉट्स में वृत्ति में जो विचित्रता दिखाई पड़ता है उसका क्या हो जाएगा द्वयस्य द्वयनाशतः, उनमें है दयानाश षष्ठी का पुरुष होना चाहिए वहाँ पे दयस्य नाशत मतलब भेद का नाश हो जाने के कारण द्वैत प्रमाण है नहीं, तो पहले तो क्या हो जाएगा एक ही प्रकार होना चाहिए था पर एक प्रकार नहीं होता, तो वो जो है अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, नाश मतलब हो गया अभाव, नाश मतलब अभाव दयस्य अभाव द्वैत के अभाव की प्रसंग आ जाएगा, ये तो हमारी अविष्ट ही है इसी को तो हम पहुँचाना चाहते हैं, पूर्व वाले यहाँ पे शंका करते हैं उसी जगह कि उसी प्रकार शंका उठाता है ताकि हम अपने सिद्धांत में पहुँचे प्रसज्यते इति अर्थ, ठीक है प्रसंग से इष्टतम प्रत्याचष्टे विज्ञानवादी बौद्ध व वेदांती बोलते हैं ये तो हमारी अभिष्ट ही है, ये तो हमारी अभिष्ट है, बाहरी विषय नहीं होते भी विषय के प्रति विषय की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, तो जैसा वेदांती अथवा वेदांती तो नहीं बोल रहे हैं विज्ञानवादी बोलते हैं हाँ यही तो हमारा अभिष्ट है, विज्ञान में सब प्रतिफलित होता है बाहरी वस्तु नहीं है, तो बोलते ये तुम नहीं कह सकते हो प्रसंग से इष्टतम प्रत्याचष्टे इष्टापत्ति बोलते हैं हमारा अविष्ट है बोलते हैं ये तुम नहीं कह सकते हो, उसको निराकरण करते हैं प्रत्याचष्टे, क्या नहीं निराकरण करते हैं प्रत्याचष्टे न च प्रत्यय वैचित्रस्य दयस्य अभावस्ति प्रत्यक्षत्वात्, वृत्ति की भिन्नता के कारण जो बाह्य प्रपंच आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई देते हैं इसीलिए अब इसका नहीं है आप इसका फलन नहीं कर सकते, और वेदांती बड़ी विचित्र बात है विमतम मिथ्या, पहला हेतु क्या किया दृश्यत्वात् जिसको तुम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रामाणिक मानना चाहते हो उसी को हेतु बना करके हम जगत को मिथ्या बोलते हैं,
जो देखा गया शास्त्र क्या बोलता है, अदृश्य मग्रह्यमावत्र मवर्णमत्य चक्षुत्र जिस वस्तु शास्त्र का निवर्तन करते हैं वो दृश्य इंद्रियगम्य वस्तु नहीं है। तो इंद्रियगम्य जो वस्तु होता है वो शास्त्रगम्य, वो शास्त्र से बाहर है, अतः वो शास्त्र उसको प्रतिपादन नहीं करता। तो इंद्रियगम्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी दिखाई पड़ता है वो जो शास्त्रों के प्रतिपादन विषय नहीं हो सकता। इस चीज को और बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान हमेशा ध्यान रखना, जो अन्य प्रमाण के द्वारा जो वस्तु ज्ञात हो रहा है शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय वो नहीं हो सकता है, तो शास्त्र अनुवाद हो जाता, शास्त्र की प्रमाण नहीं मानते तब हम। प्रमाण प्रत्येक प्रमाण की अपनी अपनी प्रमेय वस्तु अलग है, एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के साथ मतलब व्याघात नहीं करता। आपके द्वारा आप रूप ही देख सकते, शब्द नहीं सुन सकते, इसके द्वारा आप शब्द ही सुन सकते, रस नहीं ले सकते, प्रत्येक प्रमाण का प्रमेय वस्तु है। तो शास्त्र भी एक प्रमाण है आपने माना, तो शास्त्र को जब प्रमाण माना शास्त्र का प्रमेय वस्तु एक निर्दिष्ट होगा, वो प्रमेय वस्तु जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही प्रतीत था वो प्रमाण नहीं होगा, तो प्रमाण नहीं होगा। इसीलिए प्रत्यक्ष के द्वारा जो दिखाई दे रहा है वो शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय नहीं है, जो प्रत्यक्ष अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है उसको शास्त्र प्रतिपादन करना चाहता है, ये हमारे सिद्धांत है। इसीलिए आप बोलते हैं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता वो तो शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इसीलिए हमें बोलते हैं कि न जब प्रत्यय वैचित्रस्य द्वयस्य अभावस्ति, प्रत्यय की विचित्रता के कारण जो द्वैत भाव है उसके अभाव नहीं है, प्रत्यक्षत्वाद दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई पड़ता है इस कारण से। तब बोलते हैं प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रयुक्तम फलम चतुर्थ पाद व्याख्यानेन कथयति। प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रयुक्त मतलब बोध ज्ञान में विचित्रता से जो निष्कर्ष पहुंचता है उससे उसका फल क्या है। प्रत्यय वैचित्र मतलब वृत्ति में विचित्रता, युक्तिहीन हो जाएगा यदि बाहर में कुछ तो भिन्न भिन्न ना हो तो, इसलिए बोलते हैं प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रयुक्त उससे प्रीत होता हुआ जो फल निकलता है। फल मतलब 5 नंबर में बोला था कि बाह्य अर्थ स्वरूप बाहरी वस्तु है, इसको चतुर्थ पाद व्याख्यान है ना पाठ्य, चतुर्थ पाद क्या है इसका, उसको व्याख्यान के माध्यम से इसको समझाते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे कि चतुर्थ पाद व्याख्यान है ना, अतः भाषण अतः प्रत्यय वैचित्रस्य द्वयस्य दर्शना, इसीलिए प्रत्यय में वृत्ति में भिन्नता के कारण जो है द्वैत प्रपंच वो दिखाई देने के कारण द्वैत प्रपंच व सृष्टि नहीं हुई, आप नहीं कह सकते सृष्टि है ये सभी द्वैतवादी। आप बताइए हमारे पास जो है 6 आस्तिक दर्शन है और 7 नास्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन 7 नास्तिक दर्शन, इसमें से सभी वादी द्वैत मतलब विज्ञानवादी बौद्ध मतलब हमारा शून्यवाद तो विज्ञानवादी बौद्ध तो बुद्धिवृत्ति को वृद्धि को आत्मा माना और बुद्धि विषय 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 रूप में जानते हैं, बुद्धि अपने को विषय रूप में जानते हैं ये सिद्धांत। बाकी सभी ने द्वैतों को ही तो माना, द्वैतों को ही तो माना, एकमात्र वेदांत सिद्धांत अद्वैत। इसलिए आप बोलते हैं परतंत्र परेशान तंत्र परतंत्र अस्तित्वतः स्वतांत्रिक वैभाषिक बोल रहे हैं अन्य सभी दर्शनों ने जिस बाहरी वस्तु के अस्तित्व को माना वो दूसरे के सिद्धांत दूसरे के जो शास्त्र है हम उसी को फॉलो करते हैं, यानी वो है बाहरी वस्तु है, इसलिए हम अपने अकेला नहीं बोल रहे हैं और इतना वादी हमारे साथ है इसलिए ये ठीक है ऐसा कहना चाहते हैं। तो चतुर्थ पाद ने बोला परतंत्र अस्तिता मता, तो उसका अर्थ कहते हैं परेशान तंत्र परतंत्र मिति मन अन्न शास्त्र अन्न दर्शन तस् परतंत्र परतंत्र आश्रय मतलब दुष्टि के सिद्धांत के द्वारा आश्रित है जो मतलब प्रतिपाद्य विषय दुष्टि के सिद्धांत में बाह्यार्थस्य मतलब जो बाहरी विषय है ज्ञान व्यतिरिक्त जो ज्ञान से भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, ज्ञान से भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है। अच्छा ये बताओ आज तक ऐसा कोई वस्तु प्रकाशित हुआ जो किसी ने नहीं जाना, आज तक ऐसा कोई वस्तु संसार में आया जो किसी ने नहीं जाना, जो भी कोई वस्तु हम हमारे सामने आता है किसी ना किसी ने जाना तभी वो प्रकाश होता है। आत्मा को है ब्रह्म आत्मा को भी किसी महापुरुष ने समझा अनुभव किया तभी ये हमारे सामने आता है। हाँ दोनों के ज्ञान में इतना तो भिन्नता है कि अन्य वस्तु विषय रूप में ज्ञात होता है ये स्वरूप रूप में ज्ञात होता है, यदि अपने स्वभिन्न रूप में इसलिए विषय रूप में ज्ञान नहीं होता, अपने स्वभिन्न रूप में अनुभव में आता है। किसी ऋषियों ने तो किया तभी तो हमारे तक पहुँचे जा सकते, नारायण सिंह परंपरागत हम बोलती है ये किसका अपना बुद्धिगम में नहीं है, नारायण पद्म मतलब श्रुति परंपरा की हमने मान्यता दी है, ये
इसीलिए आज तक इसलिए कोई भी वस्तु और किसी को लिए सांख्य दर्शन को बोलते हैं कि कोई भी वस्तु संसार में तीन गुण से भिन्न नहीं हो सकता। किसी ना किसी ने जाना और उसकी उपयोगिता को कहा, इसीलिए वो सत्य रजो तम गुण से अनुमित होकर के वस्तु दिखाई पड़ते हैं। जानना ज्ञान सत्य गुण का वेदांति भी बोलते हैं, ये लोग भी बोल है ही बोलते हैं। देखो कि ज्ञान में विचित्रता दिखाई पड़ता है, किसी ना किसी ने जाना अलग अलग करके, इसलिए ये बाहरी वस्तु है ये मानना। इसका पहले एक बार उत्तर दे कर आया, तुम विवेक पूर्वक बोल रहे हो तो अविवेक पूर्वक बोल रहे, विवेक पूर्वक बोल रहे हो तो अविवेक पूर्वक बोल रहे, इसका उत्तर हमारे बौद्धवादी देंगे, है ना। तो उसका है तो परतंत्र से परतंत्र आश्रय से बाह्यत्र से ज्ञान व्यतिरिक्त से अस्तित्व मता, ज्ञान से भिन्न करके विषय की अस्तित्व है, ये अभिप्रेत है, ये हमारे अभिप्रेत है। आगे फिर टीका में आ जाइए, ननु प्रज्ञाते स्वभाव भेदेन एव बाह्य आलम्बन वैचित्रम अंतरेण स्वगतम वैचित्रम घटिष्यते। कौन? कोई विज्ञानवादी हो तो बीच में कोई एक देशी। हमारे सिद्धांत के अनुसार ज्ञान में कोई स्वभाव विचित्रता नहीं है, वो हमेशा एक हो, वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार। परंतु विज्ञानवादी बोलते अथवा कोई एक देशी बोलते हैं, विज्ञान का स्वभाव है, अपना स्वभाव है कि उसमें विचित्रता होता है, परिवर्तन होता रहता है। बोलते हैं ननु, शंका करने वाले बोलते हैं, यहाँ से हमारा आज का पाठ शुरू होना था। ननु प्रज्ञाप्ते स्वभाव भेदेने व प्रज्ञाप्ति का अपने स्वभाव की विशेषता के कारण ही बाह्य आलम्बन वैचित्रमंतरेण, बाहरी विषय के अवलंबन के बिना ही स्वगतम वैचित्रम घटिष्यते, अपने में विचित्रता घट जाएगा उनके स्वभाव से। हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्रज्ञान घन एक रस है, विचित्रता नहीं हो अभी कुछ भी नहीं आत्मा। इसलिए बोलते हैं कि प्रज्ञाप्ति स्वभाव भेदेना एव, ज्ञान और प्रज्ञाप्ति अपने स्वभाव की विशेषता के कारण ही बाह्य अवलंबन वैचित्रम अंतर, बाहरी अवलंबन जिसमें विचित्रता दिखाई पड़ता है, उस विचित्र बाहरी अवलंबन के बिना ही स्वगतम वैचित्रम घटिष्यत, अपने में रहने वाला जो विचित्रता वो घट जाएगा। यदि ऐसा शंका करें तो इसके उत्तर में कहते हैं, है ना, तत्र आहो, इसके उत्तर में कहते हैं। यहाँ पे छः नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ता है ना, स्वभाव भेदेन स्वरूप विशेषेण विलक्षण स्वरूपेण इति जानो, है ना। उसका स्वरूप विशेषता है क्या है, वो जो है स्वरूप अपने आप में विचित्रता को उत्पन्न कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि विलक्षण स्वरूपेण, उसका जो है स्वरूप विलक्षण है, मतलब जिसका जो स्वरूप होगा उस स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा। परंतु ये प्रज्ञाप्ति का स्वरूप कुछ विलक्षण है, क्षण में परिवर्तन, क्यों क्षणिक मानते हैं, क्षण में परिवर्तन होता है, जो क्षणिक विज्ञानवादी है ना वो अलय विज्ञान में परिवर्तन होता है, एक है अलय विज्ञान और एक है प्रवृत्ति विज्ञान। अलय विज्ञान तो मैं करता रहता है, उसके हट पट मैं जानता हूँ ज्ञान के साथ प्रवृत्त होता है, इसीलिए बोलते हैं ज्ञान में विचित्र तो उसका स्वभाव है, वो अपने भी करेगा। इसलिए आगे बोलते हैं स्वरूप विशेषेण विलक्षण स्वरूपेण इति यावत्। जब ऐसा बोलता है पूर्ववादी तब फिर सिद्धांत पक्ष उत्तर, मतलब हमारा विज्ञानवादी बोल तो उत्तर देते हैं, औपाधिकम सॉरी नहीं प्रज्ञाप्ते प्रकाश मात्र स्वरूपाया नील पीतादि बाह्य आलम्बन वैचित्रम अंतरेण स्वभाव भेदेन एव वैचित्रम संभवती, है ना। भाष्यकार उत्तर देता है, नौ अलग कर देना, प्रज्ञाप्ते मतलब ये बोध स्वरूप जो ज्ञान का प्रकाश मात्र, उसका स्वरूप क्या है, स्वयं प्रकाश, इसको मात्र भाव तो क्या दिया, मतलब उसमें कुछ भी विशेषता नहीं है, कोई भी शब्द प्रयोग जहाँ पे किया तो है उसका प्योरिटी को दिखाने के लिए, इट्स ओनली कॉन्शियसनेस प्योर अवेयरनेस। तो यह यहाँ पे बोले मात्र दिया, मात्र मतलब क्या किया, मात्र अथवा एक बोले क्या होता है, इतर व्यवर्तक होता है, उतना ही मात्र से बिना कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रकाष मात्र स्वरूप आया प्रज्ञा तो षष्ठी बन ना, प्रकाश प्रकाश मात्र स्वरूप, इसलिए याज्ञवल्क ऋषि क्या बोलते हैं, प्रज्ञान घन एव चेतन से भरा हो, एक प्रकार के मतलब क्या है, विजातीय कोई भी वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है, सतत वस्तु भी नहीं है, भेद भी नहीं है वहाँ पे। इसलिए हम बोलते हैं प्रकाश मात्र स्वरूप आया, वो प्रकाश मात्र स्वरूप है जो प्रज्ञाप्त उसका, उसमें नील पीतादि बाह्य आलम्बनम वैचित्रम अंतरेण, उसमें जो है कभी नील का ज्ञान होता है, कभी रस का ज्ञान होता है, कभी शब्द का ज्ञान होता है, बाहर आलम्बन विचित्र के बिना स्वभाव वेदन अपने आप स्वभाव से हो जाएगा कि वैचित्रम भविष्य संभवती इति न वैचित्रम न संभवती न शुरू में आएगा,
है ना, वैचित्रम न संभवति बाहर आलोकमान फिर इसलिए क्या बोला विज्ञानवादी बोला कि विज्ञान का ये स्वभाव है क्या होता है स्वभाव कि अपने आप ही विचित्र रूप को धारण करते हैं तो बोलते तुम कह नहीं सकते हो कि विज्ञान का स्वभाव एक रस है विचित्रता नहीं है उसमें इसलिए बोलते हैं नहीं प्रज्ञाते प्रकाश मात्र स्वरूप स्वयं प्रकाश चेतन स्वरूप है उससे भिन्न करके दूसरा कोई विचित्रता इसके अंदर नहीं है। नील पीतादि बाह्य आलम्बन वैचित्रम अंतरण स्वभाव भेद एवं वैचित्रम संभवति स्वभाव से उसमें विचित्रता आ जाएगा ये होना संभव नहीं। अब तो बोलते नहीं नहीं आपने समझा नहीं उपाधि के कारण क्या होता है उपाधि के कारण विज्ञान में भिन्नता दिखाई पड़ती है यही तो हम बोल रहे हैं कि उपाधि तो हमारे बाहरी जगत है और जब उपाधि है ही नहीं तो ज्ञान में विचित्रता कहाँ से आएगा। अब उसने बोला कि ज्ञान में तो आपने अपने इतना तक बनवा लिया अब क्या बोलते हैं औपाधिकम तरी पत्र वैचित्र मित आशंक प्रत्यय में जो विचित्रता है वो औपाधिक मतलब उपाधि के निमित्त से होगा। हाँ ये तुमको समझ में आता है अब बताओ उपाधि के साथ प्रज्ञान का संबंध है कि नहीं है लाइट के साथ इस पुस्तक का संबंध होता कि नहीं होता केवल प्रकाश मात्र है ये पुस्तक फट जाए तो लाइट कुछ नहीं होगा लाइट वैसे ही रहेगा इसलिए बोलता है औपाधिकम तरी प्रत्यय वैचित्रम इति आशंक हाँ प्रत्यय मुझे विचित्रता दिखाई पड़ता है तो उपाधि के कारण दिखाई पड़ते हैं ऐसा शंका करता है तो बोलता है बाह्य अर्थ अतिरिक्त तो उपाधि अनधिगमत यही तो हम बोलते हैं उपाधि मतलब क्या है बाहरी विषय आत्मा की सापेक्ष में शरीर भी बाहरी विषय है धन्यवाद आत्मा के सापेक्ष में शरीर भी बाहरी विषय है इस मन में रखते बोलते हैं बाह्य अर्थ अतिरिक्त उपाधि अनधिगमात बाहरी अर्थ जो आपको दिखाई पड़ रहा है उससे बाहरी विषय जो दिखाई उससे अतिरिक्त उपाधि नामक कोई वस्तु का मानते ही नहीं है यानी कि बाहरी अर्थ शरीर भी बाहरी विषय के रूप में मानते हैं इसलिए बोलते हैं बाह्य अर्थ अतिरिक्त उपाधि अनधिगमात जो हम नहीं मानने के कारण मैं इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान में विचित्रता बाहरी उपाधि के कारण है यही तो हम बोल रहे हैं बाहरी उपाधि यदि बाहर होता तब उसके कारण विज्ञान में विचित्रता होती बाहरी उपाधि तो पारमार्थिक है ही वो तो हमारी मनोकल्पना है इसलिए विज्ञान में विचित्रता कहाँ पहले तो विज्ञान हमेशा एक रस विज्ञान इतना तक हम मानते विज्ञान से हम आत्मा को लेंगे व्यवहार करते हुए भी विषय के साथ रहते हुए भी आत्मा की एक रसता शुद्धता की कभी हानि नहीं होती औपाधिकम तरी प्रत्यय वैचित्रमित आशंक बाह्य अर्थ अतिरिक्त उपाधि अनधिगमत मैगम इति आह उसी को मन में रखते इस पढ़ने में आएंगे देखिए क्या बोलते हैं स्फटिकस्य इव नीलादि उपाधि आश्रय बिना वैचित्रम न घटते इति अभिप्राय स्वच्छ स्फटिक में लाल नील लाभ रंग दिखाई पड़ता है कोई ना कोई उपाधि के आश्रय किसी को रख देंगे किसी भगवा कपड़े के ऊपर एक सफेद ग्लास रख दीजिए ट्रांसपेरेंट ग्लास को वो ग्लास आपको भगवा दिखने लग जाएगा ग्लास के साथ इस भगवा रंग का क्या संबंध है कुछ नहीं है तो प्रकृति मात्र इसी को बोलता है स्फटिक से इव स्फटिक में जैसा नीलादि उपाधि आश्रय बिना वैचित्र न कोई नीलादि उपाधि के आश्रय के बिना स्फटिक में कभी लाली वार नीलिमा कुछ भी नहीं दिखाई सकते कि किसी प्रकार से यहाँ उपाधि के आश्रय में विज्ञान में विचित्र होता है। अच्छा अब जो है तृतीय बात क्या है संकेश उपलब्धिश्च है ना इस श्लोक का तृतीय पाद है संकेश उपलब्धिश्च अब बोलते हैं आगे बोलते हैं तृतीय पाद हेत्वांतर परत्वेन अवतारयति किसके लिए हेतु दे रहे हैं प्रतिज्ञा क्या है आपका बाहरी वस्तु है पहला हेतु के दिया विज्ञान वैचित्रत्वात् प्रज्ञप्त वैचित्रत्वात् ठीक है ना जी पहला हेतु दूसरा हेतु क्या है संक्लेश अनुभूयत्वात् है ना क्लेश का अनुभव होने के कारण संक्लेश अनुभूतत्वात् अथवा अनुभूयमानत्वात् उसका अनुभव आता है इस कारण से तो इसलिए बोलते हैं वहाँ पे दुष्ट जो आपने यहाँ पे बोला ना संक्लेशस्य उपलब्ध संक्लेशस्य उपलब्धस्य सम्यक् क्लेश का उपलब्धि होने के कारण ये जो बोला तृतीय पादम हित्वांतर परत्वेन अवतारयति तो ध्यान रखना किस प्रतिज्ञा के लिए हेतु दे रहे हैं क्या प्रतिज्ञा इस बाह्य मध्य के बाहरी वस्तु की अस्तित्व है बाहरी वस्तु की अस्तित्व है पहले क्या हेतु दिया विज्ञान वैचित्र प्रज्ञान प्रज्ञाप्ति वैचित्रत्व पहला हेतु ये दिया दूसरा हेतु क्या दिया संक्लेश अनुभूतत्व इसके दूसरा हेतु दिया इसीलिए आप बोलते हैं तृतीय पादम हेतु अंतर परत्वेन अवतार तृतीय पाद को एक दूसरा हेतु के रूप में अवतरण करते हैं भगवान इतश्च
परतंत्र आश्रयस्य बाह्यार्थस्य अन्य द्वैतवादियों के सिद्धांत का अनुसार जो बाहरी विषय है उसका ज्ञान व्यतिरिक्त अस्तित्व, ज्ञान से भिन्न करके वस्तु की अस्तित्व है, अस्तित्व ऐसा मानना पड़ेगा। ये कितना बड़ा गलत स्टेटमेंट है, बहुत गलत। आज तक कोई भी वस्तु किसी ने नहीं जाना और उसकी विद्यमानता स्वीकार हो गया, कहीं नहीं है। जब तक किसी ने जान करके, किसी ने हमने नहीं जाना कोई बात नहीं है, मतलब तो किसी ने जाना तभी तक उस वस्तु का अस्तित्व मानना है। यानी कि मतलब आत्मा के अस्तित्व से बाद ही वस्तु के अस्तित्व सिद्ध होता है। मैंने किसी को देखा, मैं एक आत्मा तो सभी के अंदर एक ही है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जो इतस्य परतंत्र आश्रयस्य बाह्यार्थस्य रुष्यवादी के सिद्धांत के अनुसार जो बाहरी विषय उसका ज्ञान व्यतिरिक्त अस्तित्व, ज्ञान से भिन्न करके उसका अस्तित्व है, ज्ञान से भिन्न करके किसी का अस्तित्व नहीं। हाँ ये है कि मतलब ज्ञान मत, मैंने कहने के इतना अभिप्राय, वो बोलते हैं विज्ञानवादी, वो तो क्या बोलते हैं केवल मत तो बुद्धि में बैठ हुए बाहर नहीं है, और हम क्या बोलते हैं बाहरी वस्तु है, ज्ञान से सिद्ध होता है, या हमारे उनका भिन्नता है, हमारे उनकी भिन्नता इतना ही मात्र। इसलिए आप बोलते हैं वहाँ पर कि इतस्य परतंत्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तित्वम्। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पे बोलते हैं संक्लेशनम, संक्लेश दुखम इति अर्थ, संक्लेश मतलब क्या, दुख, दुख का अनुभूति होती है बाहरी विषय के कारण। आपने आपने स्वयं माना, सभी वादियों ने माना, अद्वैत नहीं तो अपने में होगा, परंतु अधिभौतिक अधिदैविक मतलब बाहरी भौतिक वस्तु है, दैविक वस्तु है, उससे दुख होता है, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे संक्लेशनम, संक्लेशम दुखम इति अर्थ। अपनी गिनती का क्या बोलते हैं, तस्य उपलब्धि उपपादयति, दुख की उपलब्धि होती है सबको, सबको दुख उपलब्ध करता है, प्रतीक उसको जो है प्रतिपादन करके दिखाते हैं, उपलभ्यते ही अग्निदाहादि निमित्तम दुखम, है ना, किसी व्यक्ति को अग्नि ने जला दिया तो अग्नि के द्वारा दहन होने का जो दुख है वो व्यक्ति उपलब्धि करता, अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, इसीलिए जो है वो अग्नि एक बाहरी वस्तु है अपने से भिन्न करके, जिससे हमने मतलब पीड़ित हुआ, इसी प्रकार के बोल अग्नि नहीं, कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ भी हो सकता है, जिसके द्वारा हम पीड़ित होते हैं वो वस्तु है, यदि नहीं होता तो हम उससे दुख हमें क्यों अनुभव हो रहा है, इसलिए बोलते हैं उपलब्धते ही अग्निदाहादि निमित्तम दुखम, दुख की उपलब्धि होती है। अच्छा आगे देखिए, ठीक तद उपलब्धे अपि कुत बाह्यार्थ सिद्धित, ठीक है वो दुख उपलब्धि होते हैं। एक प्रश्न के पीछे क्या आप चुप रहे मन, बोलते ठीक है आपको दुख उपलब्धि होती है, इससे बाहर अर्थ सिद्ध हो गए, ये कैसे सिद्ध, सपनों में आप जो है आपने देखा, क्या देखा, आपको शेर खाने आ रहा है, आप डर के मारे दौड़ रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, तो क्या शेर की अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, विज्ञानवादी बोलते ये बोल रहे हैं ठीक है आपको दुख की अनुभूति होती है, तो दुख की मन की बात है, तो उससे बाहर वस्तुत्व का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा भाई, और सिद्ध कैसे होगा, तद उपलब्धि अपि, ठीक है आपका दुख उपलब्धि होती है, परंतु तो कुतो बाह्यार्थ सिद्धि, इससे बाहरी वस्तु सिद्ध ये कैसे सिद्ध हो जाएगा, इसका तो इसके लिए ये मतलब नहीं है कि बाहरी वस्तु है, दुख उपलब्धि करने के लिए यदि आप मान लीजिए कि आप मन को थोड़ा उठा पाता है तो कहाँ सुख दुख के संबंध होगा आपका, आप मन बाहरी विषय के साथ संबंध करके सुखी दुखी होता है, आप उसका आत्मा में आरोप कर रहे हो, कर क्या रहे हो, मन बाहरी विषय के साथ संबंध करके सुख दुख की अनुभव करते हैं, आपने अनुकूलता प्रतिकूलता कौन सा आरोप कहाँ पे होता है, मैं सुखी हूँ मैं दुखी, ये चीज उनको अभी तक स्पष्ट उसको स्पष्टीकरण करेंगे, इसलिए आप बोलते हैं तद उपलब्धि अपि कुतो बाह्यार्थ सिद्धि इति आशंका, यदि ठीक है हमको सुख दुख की उपलब्धि हुई परंतु इससे जो है बाहरी वस्तु की सिद्ध कैसे हो जाएगी, तो बोलते हैं हाँ फिर यदि अग्नियादि बाह्यम दहादि कैसे सिद्ध होगा, बोलते हैं यदि अग्नियादि बाह्यम दहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरेक नाश तथा दहादि दुखम न उपलब्धता, ऐसा शंका किया विज्ञानवादी बोलते हैं, उत्तर दे रहे हैं शोत्रांतिक वैभाषिक को, बोलते हैं क्या बोलते हैं, यदि अग्नियादि बाह्यम मतलब अग्नि आदि हो, अग्नि हुआ पाप पत्थर हुआ और कोई वस्तु हुआ, अग्नि आदि कोई बाहरी वस्तु जो दहादि निमित्तम जो हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न करने के निमित्त बनता है, जो हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न निमित्त बनता है दहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम ना सकता, बुद्धि से भिन्न करके यदि वो नहीं होती तो तत्व दहादि दुखम न बोला भी, तब दहादि दुख मतलब दहन जनित जो दुख हम अनुभव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था,
तो इस प्रकार से बोलते हैं ना सत्ता तो दहा भी दुख कम ना बोला। मुझे कौन बोल रहा है? ये शोक्रांति बोल रहे, वैभाषिक बोल रहे कि इसलिए बाहरी वस्तु है ये मानना पड़ेगा, बाहरी मानना पड़ेगा आपको। तो बोलते हैं उपलब्धि एव तरी दुख से माभूत दुख से उपलब्धि माभूत, दुख की उपलब्धि नहीं ऐसे मान लिया जाए। जब तक शरीर में तादात माता रहेगा तब तक सशरीरम बाब संत न प्रिया प्रिय रामते अशरीरम बाब संत न प्रिया प्रिय स्पृशत। यदि जीते जी आप शरीर के साथ आध्यात्मता को छोड़ सकते हैं, सुख दुख आएगा आपके पास प्रारब्ध के अनुसार, परंतु मैं सुखी हूँ मैं दुखी नहीं, ये सुख है ये दुख है ये दिखेगा आपको, परंतु मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये नहीं। तो इसीलिए ये दुख की उपलब्धि नहीं होती, आप शरीर भाव से ऊपर उठो। इसलिए बोलते हैं कि उपलब्धि ये बता रही दुख से महाभूति पीछे, हम बोलते हैं कि दुख की उपलब्धि नहीं होती। यदि हम ऐसा कहें तो ना ऐसा नहीं बोल सकते हो, सबको पूछ के देखो, सबको पूछ के देखो। क्यों क्यों तुम दुख की उपलब्धि होते स अनुभव विरोधा, तुम भी अपने आप बोलते हो कि मेरे पीड़ा हो रहा है मेरे को दर्द हो रहा है, तो तुम्हारे अनुभव के विरोधी बात बोल रहे हो, दुख की अनुभूति नहीं होती यदि ऐसा बोलते हो। तो बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि स्व अनुभव विरोधा, आपके अनुभव के विरोध में तुम बोल रहे हो। ये तो शब्द को अपराध नहीं करना चाहिए, ये कौन स्वतंत्र वैभाषिक विज्ञानवादी को बोल रहे हैं अपने को, जो आप बाहरी विषय को अपलाप करना चाहते हो, परंतु फिर बाहरी विषय के अपने अनुभव को भी अपलाप कर दोगे, तुम अपने अनुभव को भी निषेध कर दोगे, तुम अपने आप दुखी नहीं होते हो, सुखी नहीं होते, ऐसा पूर्ववादी बोल रहे हैं। स्व अनुभव विरोधा स्वस्व बाह्यार्थ अपलापिन जह क्लेश अनुभव, जो तुम्हारी क्लेश का अनुभव ही होती अनुभूति होती है समझते हो, और फिर बोलते हो कि मेरे तो क्लेश मिथ्या बोलना होगा, ऐसे बोलते हैं विरोध हो गया आपका। स्व अनुभव विरोधा इति आह, इसको मन में रखते बोलते हैं क्या बोले हमें उपलब्ध्यते, तो बोलते सुख दुख की उपलब्धि नहीं होती है, परंतु नहीं नहीं सुख दुख की उपलब्धि होती है, सभी को पूछ करके देखो उपलब्ध्यते तु, अतः इसलिए अभी उपलब्धि तो होती है सुख दुख की। फिर बोलते अतः अब देखिए बोलते हैं स्व अनुभव विरोधी विशिष्ट दुख उपलब्धि अनुभव सिद्धम फलम आह, है ना, विशिष्ट दुख उपलब्धि अनुभव आपको विशिष्ट, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग दुख होता है, एक ही वस्तु सब व्यक्ति का एक ही प्रकार का दुख अथवा सुख नहीं होता, ये जो विशिष्ट सुख दुख का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल है, इसलिए विशिष्ट दुख उपलब्धि इस प्रकार अलग अलग विशेष दुख की उपलब्धि युक्तिसंगत नहीं होता यदि बाहरी वस्तु नहीं है ना, ये अलग अलग जो विशेष दुख अनुभूति होता है ये युक्तिसंगत नहीं होता यदि बाहरी वस्तु नहीं होती। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ये विशिष्ट दुख उपलब्धि अनुभवत्व सिद्धम, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार की दुख की अनुभूति होता है ये युक्तिहीन हो जाता यदि बाहरी वस्तु नहीं सिद्ध होता, जो फल फलम सिद्ध क्या फल हुआ उसको कहते हैं अतः तेन मन्नामहे अस्ति बाह्यार्थ, है ना, इसके लिए हम लोग ये मानते हैं कि बाहरी वस्तु है, अतः मन्नामहे अस्ति बाह्यार्थ इति, ये हम बोल गया अतः, मतलब क्या हो गया विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ, बाह्यार्थ अभाव अपि क्लेश उपलब्धि अविरुद्ध इति आशंक आह, ठीक है विज्ञान अतिरिक्त की विज्ञान अतिरिक्त तो बाह्यार्थ अभाव या भी विज्ञान से भिन्न करके बाहरी वस्तु का अभाव होने पर भी क्लेश उपलब्धि और विरुद्ध, क्लेश की उपलब्धि के साथ भी विरोध नहीं होता क्योंकि वो तो अंदर की बात है, तो क्लेश उपलब्धि और विरुद्ध इति आशंका आह, बोलते हैं नहीं नहीं यदि शंका भगवान विज्ञानवादी बोल रहे हैं अरे बाहरी वस्तु के बिना भी तुम स्वप्न में शुद्ध दुख उपलब्धि करते हो कि नहीं करते हो, स्वप्न में शुद्ध दुख उपलब्धि करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रातिभाषिक वस्तु से व्यवहारिक सुख हो रहा है पता कि नहीं होता, स्वप्न में, स्वप्न में प्रातिभाषिक वस्तु है परंतु सुख दुख व्यवहारिक है, उठ कर यदि मान लो आपको डर के बारे में उठा तो आपको धक्का नहीं होगा, यदि सुख डर सुख के माने उठा तो आपको सुख की रेजोनेंस रहता है, इसीलिए जो है प्रातिभाषिक वस्तु से भी सुख दुख की तो अनुभूति होती है, तुम्हारी वस्तु को अस्तित्व मानने की क्या आवश्यकता है,
विज्ञानवादी बोलते बोलते बाहरी वस्तु को अस्तित्व माने क्या अस्तित्व, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ अभाव यदि क्लेश उपलब्धि अभी क्लेश की उपलब्धि के साथ कोई विरोध नहीं होता, ऐसा विज्ञानवादी बौद्ध बोलने पर तो बोलते नहीं विज्ञान मात्र संक्लेश युक्त, केवल मात्र विज्ञान में जो है संक्लेश होता है अलग अलग होता है, ये कहना युक्ति संक्लेश नहीं है। विज्ञान मात्र मत केवल मात्र विज्ञान को स्वीकार करने वाले आप लोगों को ना विज्ञान स्वीकृत सत्य, केवल विज्ञान वहाँ पर संक्लेश को नहीं होना चाहिए। तीन और चार विशिष्ट दुख उपलब्ध अनुपत्ति सिद्ध, तीन नंबर मतलब ये विलक्षण, सभी का दुख क्यों अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है, विलक्षण इति भाव विशिष्ट मतलब विलक्षण, और अविरुद्ध मतलब इति न अनुपन्न है ना उपपन्न मतलब युक्ति संगत, अनुपन्न मतलब युक्ति संगत नहीं है, न अनुपन्न ये हो जाएगा अविरुद्ध, इसे न अनुपन्न इति अर्थ विज्ञानस्य एव दुःखादि रूपेण प्रसन्नादिति अभिमान, अरे वो विज्ञान ही, क्योंकि विज्ञानवादी बोध क्या बोलते हैं वो विज्ञानी दुख रूप में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा बाहरी जगत दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार विज्ञानी आत्मा ही दुख रूप में सामने उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं, कोई कोई मनोवृत्ति ऐसा उठे तो उसके कारण से आत्मा में ही दुख इस प्रकार विज्ञानी दिखाई पड़ता है, उनके सिद्धांत की जो कमी है यही है कि विज्ञान को विषय रूप में जानते हैं। विज्ञान से व दुखादि रूपेण, देखिए एक चीज हम बोलते हैं ना हम किसी दर्शन की खंडन नहीं करते, किस दर्शन से हमें क्या क्या लाभ मिला उसका हम सामने लाते हैं, भगवान भाष्यकार ने सभी दर्शनों को जिंदा रखा, एक बार प्रश्न पीठक से सुना रहे थे कहें कि आपको शंकर भाषण भर्ती प्रपंच का नाम मिलेगा, वेदांति एक किसी भर्ती प्रपंच का नाम मिला, तो लगता है भगवान भाष्यकार उसका मत को खंडन कर रहे हैं, मनीषा जी बोलते हैं खंडन नहीं किया उनको जिंदा रखा, भर्ती प्रपंच बोल पाता भर्ती प्रपंच को जिंदा रखा भगवान भाष्यकार, हमारा सुख से कोई नहीं है जितना पांच दर्शन है शंखो वो भी ऐसी जिंदा है, अदरवाइज उसको कोई पढ़ता ही नहीं, देख सकते कुछ नहीं है, क्योंकि कोई एक आदि में तो शंख दर्शन तो कहीं स्कूल में पढ़ाया जाता है, आजकल तो कॉलेज में मतलब साथ साथ मतलब हमारे संतों के बीच में जो पठन पाठन होते हैं वेदांतों के ही पठन पाठन होते हैं, उस वेदांतों को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा नए दर्शन थोड़ा सा शंख दर्शन हम पढ़ते हैं, पूर्व दर्शन थोड़ा पढ़ते हैं, यदि इसमें आवश्यकता नहीं होती तो उसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं देते, कोई कोई व्यक्ति सोचता है ऐसे कि पेपर वेदांत पढ़ के हो जाएगा, परंतु जो है इसके साथ जो है इन लोगों को भी जिंदा इन लोगों को जिंदा रखिए, यदि इस प्रकार आपका ना आप हमेशा इसे पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए तो आपका किसी के साथ सिद्धांतों के साथ कोई विरोध नहीं लगेगा, ये सिद्धांत हमारे सिद्धांतों के यहाँ तक पहुँचने के लिए इन लोगों ने मदद किया, इन लोगों ने मदद किया स्टेप बाय स्टेप आपको लाया हूँ, इसलिए आप बोलते हैं विज्ञान अतिरिक्त तो बाह्यार्थ तो अभाव्य क्लेश उपलब्धि अविरुद्ध यदि आशंका तो बोलते न ही विज्ञान मात्र क्लेश युक्त, तीन नंबर टिप्पणी पढ़ रहे थे ना चार नंबर टिप्पणी विरुद्ध अनुपत्ति विज्ञान से व दुखादि रूपेण प्रसन्न, विज्ञानी दुख रूप में अभिव्यक्त होता है इति अभिधान, ऐसा उस प्रकार बोलती है। अच्छा नहीं अन्यत्र दाह छेदादि व्यतिरिक्त चंद चंदन पंक लेपनादो इति यावत, मतलब क्या होता है अन्यत्र अदर्शनात् इति अभिप्राय है ना, मतलब आपको चाहे सुख हो चाहे दुख हो ठीक है ना, तो कोई बाहरी निमित्तों को लेकर ही होता है, केवल विज्ञान में अकेला नहीं होता, क्या बोला यहाँ पे कि नहीं नहीं बाहरी निमित्तों के बिना भी विज्ञान दुख रूप में अथवा सुख रूप में प्रचित तो अभिव्यक्त होता, बोलते नहीं नहीं अन्यत्र तो जहाँ कहीं भी आपको दिखाई पड़ता है सुख के खर्च तो भी यही है, किसी भी जगह पे बिना निमित्तों के नहीं होता, अन्यत्र अन्यत्र अदर्शनादि थी मतलब किसी भी जगह पे मतलब निमित्तों के बिना सुख अथवा दुख नहीं है ना, अन्यत्र अदर्शना मतलब निमित्तों के बिना नहीं दिखाई देने के कारण, उसी को प्रश्न यहाँ पे बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं अन्यत्र दाह छेदादि व्यतिरिक्त जहाँ पे आपका जला नहीं कटा नहीं तो वहाँ पे जो है चंदन पंख लेपन आदो जहाँ पे चंदन लेपन किया अथवा आपकी सुगंधि लेपन किया उसमें जो सुख की अनुभूति होता है वो किसी निमित्त को लेकर के होता है, इसलिए बिना निमित्त के सुख दुख होता नहीं है, ऐसा इसलिए बाहरी वस्तु को बाहरी निमित्त के लिए बाहरी वस्तु को मानना चाहिए, इस प्रकार से पूर्ववादी बोला आप विज्ञानवादी इसको उत्तर देंगे, विज्ञानवादी इसको उत्तर देंगे, देखिए आप दाभ्याम टीका में दाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्यार्थवादे प्राप्ते विज्ञानवादम उद्भावयति ठीक है, क्या बोलते हैं
वो अर्थापत्ति प्रमाण दिया। अर्थापत्ति प्रमाण क्या है? बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम, ये पहला अर्थापत्ति। जैसे रात्रि भोजनम बिना पिनत्तम अनुपन्नम, तो बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम, ये पहला अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। रात्रि भोजनम बिना पिनत्तम अनुपन्नम, ठीक उसी प्रकार से बाह्यार्थम बिना विज्ञान वैचित्रम अनुपन्नम, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया कि बाह्यार्थम बिना संक्लेश उपलब्ध अनुपन्नम, संक्लेश को अनुपन्न बाह्यार्थम बिना, इसमें दो अर्थापत्ति मतलब दाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम, वहाँ पे पांच नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। देखो क्या बोलते हैं उसको, दाभ्याम प्रत्यय वैचित्र संक्लेश उपलब्धि अनुपत्ति रूपाभ्याम इति अर्थ, एक हो गया आपका दो हेतु क्या दिया, प्रत्यय वैचित्र है ना, बाह्यार्थ अस्ति अस्मात् प्रत्यय वैचित्रत्वा अथवा प्रत्यय वैचित्रम बिना बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम, अर्थापत्ति प्रमाण बोल रहे हैं, इसीलिए इसी प्रकार बताना पड़ेगा। बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम, तो टिप्पणी का बोल रहा है प्रत्यय वैचित्रम ये बाह्यार्थ के लिए, और दूसरे क्या है संक्लेश उपलब्धि, ठीक है ना, इसलिए बाह्यार्थम बिना संक्लेश उपलब्धि अनुपन्नम, ये दोनों अर्थापत्ति है। इसलिए बोलता है प्रत्यय वैचित्र संक्लेश उपलब्धि उपपत्ति रूपाभ्याम उपलब्धि अनुपपत्ति रूपाभ्याम, है ना, ये जो इसको यदि आप इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम, की टिप्पणी किस पंक्ति में, ऐसा आप समझिए, बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम पहला अर्थपत्ति प्रमाण। दूसरा पद क्या है कि बाह्यार्थम बिना संक्लेश अनुभूति अनुपन्नम, है ना, ये दोनों अर्थापत्ति प्रमाण के दाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्यार्थवादी प्राप्त, ये बाहरी वस्तु सिद्ध हो जाता है तब विज्ञानवाद उद्भव है, तब विज्ञानवादी बोध इसका उत्तर देते हैं, इसका उत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं श्लोक मानेंगे, प्रज्ञातेशानिमित्तत्व मिश्रते युक्ति दर्शनात्, मिश्रते युक्ति दर्शनात् निमित्तस्यानिमित्तत्व मिश्यते भूतदर्शनात्, मिश्यते भूतदर्शनात् प्रज्ञापेशानिमित्तत्व मिश्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्यानिमित्तत्व मिश्यते भूतदर्शनात्। आपने क्या बोला, प्रज्ञाप्ति सनिमित्तत्व, ये जो प्रज्ञाप्ति में जो विचित्रता है कोई ना कोई निमित्त से होता है, असली और इसलिए वो निमित्त बाहर विद्यमान है, ये युक्ति दे, युक्ति के सहारे आपने सिद्ध की, खरे रहना इस युक्ति पे, इधर उधर नहीं भागना, ठीक है, हर जगह बोले कि स्थिर ही भगवता पर, ठीक है तुम इस युक्ति में ठेक खड़े हो जाओ, आप तो युक्ति कम सिखाएंगे, बोलते प्रज्ञाप्ते सनिमित्तत्व इष्यते, है ना, प्रज्ञाप्ति विज्ञान में विचित्रता कोई ना कोई निमित्त से होता है, ये तुम्हारा अविष्ट है, यानी कि बाहर वस्तु ये कहना चाहते हो, तो धाम बोलते हैं निमित्त से अनिमित्तत्व, जो निमित्त तुम्हारा दिखाई दे रहा है वो निमित्त नहीं है, भूत दर्शना इष्यते अस्माभि यथार्थ देखने के कारण, यदि तुमको यथार्थ देखने का समय ये आ जाएगा वो निमित्त निमित्त नहीं रहेगा, आपके बुद्धि में यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, सांप है, सांप है वहाँ पे, तो वहाँ पे सांप आगे विद्यमान है कि नहीं है, निमित्तस्य अनिमित्तत्व जो आपको सामने सांप रूप में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे सर्प ज्ञान उत्पत्ति के लिए हेतु नहीं बनता, कब समझ में आएगा, भूत दर्शन, अथवा ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, अभूत दर्शन, दोनों भूत दोनों अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अवग्रह लगा दो, अपग्रह लगाने से दोनों प्रकार से अर्थ हो जाएगा, शब्द ही रहेगा, निमित्त से अनिमित्तत्व जिसको तुम निमित्त मान रहे हो वो वास्तविक निमित्त नहीं है, क्यों नहीं है, भूत दर्शना, ये तुम ठीक रूप में देख पाओगे, जैसे हम काल दृष्टांत दिए थे आपको एक ही छंद को उपनिषद के आधार पर कि अनेक एक व्यक्ति एक गांव से दूसरा गांव जा रहा था, जाते समय किसी कुंभकर्ण घर में मिट्टी का ढेर देखा था, आते समय उसको क्या दिखाई दे रहा, अनेक प्रकार के विचित्र जो है मिट्टी के बने हुए बर्तन, तो क्या सोच रहे थे, कल जो मैं मिट्टी देखा था वही अब अनेक रूप में, काल मिट्टी क्या था, एक था, आज क्या हुआ, अनेक बर्तन के रूप में दिखाई दे रहा। इसी प्रकार कि जब तुमको इस प्रकार एकत्व देखने की दृष्टि खुल जाएगी तब तुम्हें अनेक नहीं दिखाई देगा,
तो ज्ञान विज्ञान में विचित्रता भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि निमित्तस्य अनिमित्तत्वम्, मतलब आप उस वहाँ तक आपकी दृष्टि को बदलते जाओ। अनेक प्रकार के अलंकार आपको दिखाई दिया, आप वो अलंकार दृष्टि को छोड़ करके सुवर्ण दृष्टि करो। अनेक प्रकार के वर्तन दिखाई दिया, वर्तन दृष्टि को छोड़ करके उपादान दृष्टि करो। ऐसे उपादान दृष्टि करते करते पीछे चलते जाओ। कहाँ तक जाना है जी? बोलते जहाँ जाके कुछ वस्तु है परंतु शब्द प्रयोग नहीं मिला है, वहाँ जाकर पूछो एक ही हो, तब तुम जो है ज्ञान में विचित्रता आपको नहीं दिखाई देगा, ज्ञान विचित्रता आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए बोलते हैं भूत दर्शनात् अभूत दर्शनात्, आपको ज्ञान में विचित्रता दिखाई दे रहा है अभूत दर्शन अविवेक पूर्वक देखने के कारण, और वो निमित्त तो नहीं रहेगा यदि तुम क्या होगा भूत दर्शन यथार्थ रूप में देख पाते हैं। जब शरीर दृष्टि में देखेंगे हम सब भिन्न है, आत्मदृष्टि में देखेंगे वो दृष्टि खोलना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्तम, है ना, सारा संसार उसी के तरह तो कर दो तो बस आपको भेद नहीं दिखेगा। ये विज्ञानवादी बोध बोल रहे हैं, देखिए विज्ञानवादी बोध बोल रहे हैं, उसी को लेकर उत्तर दे रहे हैं हम। प्रज्ञप्ते स्वनिमित्तत्वम इष्यते युक्ति दर्शना, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम, जो निमित्त रूपी दिखाई दे रहे हैं ना वो निमित्त निमित्त नहीं रह जाएगा। भूत दर्शना इष्यते, यदि आप यथार्थ दृष्टि आपको खुल जाता है, अथवा वो निमित्त निमित्त नहीं रह जाएगा। क्यों? अभूत दर्शना, आपने ठीक से नहीं देखा उसको, इसीलिए वो निमित्त आपको लग रहा है वास्तविक निमित्त नहीं रह जाएगा। वो निमित्त इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभूत दर्शन। तो ये हो गया श्लोक का सामान्य अर्थ। पहले तो हम टीका का अर्थ करते हैं श्लोक का, फिर भाष्य कर जाते हैं। अस्तु का नाम वस्तु क्षतिरिति आशंका आह, है ना, तो वहाँ पे क्या बोला था कि लाभ्यम अर्थ प्रतिभ्यम भाई अर्थवाद प्राप्त विज्ञान बनो, ठीक है आपको जो है यदि आपको विज्ञान में विचित्रता दिखाई भी देता है उसमें नुकसान क्या है। अस्तु का नाम वस्तु क्षतिरिति आशंका, तो बोलते हैं कि यदि ऐसा बोलते हैं इसीलिए वस्तु है, तो बोलते हैं रहने दो आपका विज्ञान एक ही रहेगा, वो तो कल्पना मात्र है। अस्तु का नाम वस्तु क्षतिरिति आशंका निमित्तस्य अनिमित्तत्वम्, अब उसने क्या बोला कि प्रज्ञाप्त स्वनिमित्त विश्वत युक्ति दर्शन, यहाँ पे युक्ति पूर्वक देखोगे वो क्या बोलता है, युक्ति पूर्वक देखोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा, बाहरी वस्तु दिखाई देगा। और वेदांती क्या बोलते हैं, अनुभूति दृष्टि के साथ देखोगे तो तुमको नहीं दिखाई देगा। और युक्ति को तो हम खंडन कर ही देंगे, युक्ति को नहीं, तुमको यथार्थ दृष्टि खुल जाए ज्ञान चक्षु से देखोगे, है ना, एक चर्म चक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से देखोगे तो ज्ञान में भिन्नता नहीं दिखाई देगा, और चर्म चक्षु से देखोगे तो भिन्नता दिखाई देगा। ये इसको लेकर के हमारे वेदांतिक उत्तर है, बोलते ज्ञान चक्षु खोलो। इसीलिए हमें बोलते हैं अस्तु का नाम वस्तु क्षति, ऐसा होने तो कहते वस्तु की क्षति क्या होता है, इतिहाशंक निमित्तस्य अनिमित्तत्वम, जो जिसको आप निमित्त समझ भारी वस्तु दिखाई दे रहा है भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है दिखने दो, क्या फर्क पड़ता है, वो निमित्त नहीं है प्रतिभाषिक वस्तु है, वो रज्जु के ऊपर जो सर्व दिखाई दे रहा है वो सर्व पारमार्थिक नहीं है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जो शरीर दिखाई दे रहा है कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। यदि यदि आपको भूत दर्शन हो जाता है यथार्थ भूत दर्शन होता है, यथार्थ दर्शन यदि होता है तो आपको कोई ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं, ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है। जो निमित्त अनिमित्तम इष्यते, वो निमित्त अनिमित्त ये हमारी अभिष्ट है, क्यों, भूत दर्शनार्थ ज्ञान चक्षु से देखने के फलस्वरूप, है ना, चर्म चक्षु से देखोगे भेद दिखेगा, शास्त्र दृष्टि से देखोगे और भेद दिखेगा, शास्त्र दृष्टि खुल जाए यही हमारे अभिप्राय है। इसलिए बोलते हैं मतांतरे प्राप्ते पर निराकरण उच्चते विज्ञानवादिना, इस प्रकार से एक मतलब मतांतर प्राप्त होने पर, कौन मतांतर, विज्ञानवादी और शून्यवादी से भिन्न मत, क्योंकि बौद्ध का चार मत है, तो सौत्रांतिक वैभाषिक के मत में जो है बाहरी वस्तु का इस प्रकार की मत प्राप्त होने पर तर निराकरण उच्चते, उसके निराकरण को कहा जाता है किसके द्वारा, विज्ञानवादी के द्वारा, सिद्धांति ना नहीं, सिद्धांति तो यहाँ पे केवल चुप बैठ करके अन्य वादियों की जो वाद विवाद है उसको सामने ला करके खड़ा करते हैं। विज्ञानवादी का सिद्धांत का मत कुछ हद तक एक है, बाद में आकर के नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान को विषय रूप में जानते हैं और विज्ञान को क्षणिक मानते हैं, बुद्धि मतलब वो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। और सिद्धांत क्या बोलता है, नहीं नहीं, बुद्धि का पीछे बुद्धि का प्रकाशक है वो आत्मा है, और विषय रूप में अपने को नहीं जानते।
मतांतर 6 नंबर टिप्पणी में देखिए मतांतर बाह्यार्थवाद, मतांतर कौन है बाह्यार्थवाद में इस प्रकार का निराकरण प्रतिबिंबवादी नहीं। अब जब श्लोक से तात्पर्य भगवान भाष्यकार श्लोक की तात्पर्य कहना चाहते हैं क्या बोलते हैं, अत्र उच्यते ये जो तुमने कहा उसको विषय में हमें कहें बाणम एवं प्रज्ञप्ति स्वनिमित्तम दय संक्लेश उपलब्धि युक्ति दर्शन इष्यते ठीक है। बाणम बाणम मतलब आधा अंगीकार कर सत्यम कहीं बोलेंगे कहीं तो बाणम बोलेंगे बाणम ठीक सत्यम कहीं तो बोलते सत्यम कहीं बोलते बाणम बाणम मतलब ठीक है कोई बात नहीं जो तुमने कहा हम इसको आधा मन खंडन करेंगे इसीलिए आधा अंगीकार करते ठीक है ऐसा तुमने कहा ऊपर ऊपर ऐसे ही दिखाई देते हैं बाणम प्रज्ञाप्ते स्वनिमित्तम प्रज्ञा तो कोई ना कोई निमित्त तो होगा क्यों दो कारण से एक हो गया मतलब विषय बाहर है इस विषय का ज्ञान अलग अलग होता है और दुख की अनुभूति होती है इसमें दया संक्लेश उपलब्धि युक्ति दर्शना है ना ये दो प्रकार के आपका संक्लेश की उपलब्धि होता है और युक्ति के द्वारा देखने का इच्छा के द्वारा ये तुम्हारे द्वारा अभिष्ट है ठीक है ना ये तो क्या तो युक्ति के द्वारा बाहरी वस्तु है ऐसा सिद्ध होता है भगवान भाष्य बोलते हैं स्थिर हो जाओ ठीक है इस जगह पे खड़े हो जाओ इधर उधर मत भागना हम तुमको युक्ति सिखाएंगे तो आज नहीं सिखाएंगे सुक्ति काल देखेंगे समय हो गया स्थिर भव बताओ देखने के बाद स्थिर भव हो सकते हैं स्थिर भव ऐसे हो सकते हैं स्थिर भव ये है ना चुई प्रत्यय अंत है मतलब वो स्थिर नहीं होगा चुई प्रत्यय अंत शब्द क्या होता है कृष्णी भव अब भू धातु कृ धातु अस्थातु के साथ होता है मतलब कृष्ण नहीं या कृष्ण जैसा व्यवहार करता है कृष्णी भवे चुन प्रत्यय अंत शब्द है मतलब स्थिर जैसा तो कम से कम हो जाए स्थिर तो नहीं हो पाएगा अपने सिद्धांत में स्थिर नहीं रहेगा वो तो हट जाना पड़ेगा इसलिए स्थिर ही होगा ये प्रत्यय के मतलब संस्कृत भाषा में देखिए इसके साथ क्या प्रत्यय का बना तब लगेगा कि देखो इसको जो उपहास करने के लिए बोल रहे स्थिर ही भवे स्थिर हो जाओ जैसा हो जाओ नहीं वहाँ पे तुम पूर्ण जो पहले मुशिक थे तुम चुहाते हो चुहा ही बन जाओ वाले वहाँ हो भी गया सब हाँ अरे यहाँ पे परंतु नहीं है यहाँ पे बोलते हैं तुम स्थिर नहीं रह पाओगे हम जब अपना युक्ति देंगे तब तुम स्थिर नहीं रह पाओगे पहले उसी में खड़े हो जाओ भागना नहीं उठेगा तब तुमको समझ में आएगा क्या बोलो ठीक है आज पहला वाला हो गया अजम अपि योनियोगम प्रापदैश्वर्य योगात् अगति न गति मत्तां प्राप्यते कम विहितम् विविध विषय धर्मा ग्राही उपदेशानां प्रणत भय विहंती ब्रह्म यत्नन्नतो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये